हे गाइस, वेलकम बैक टू कोर सिटी। टुडे विल बी लर्निंग अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन कैसे हुई और कैसे कैसे प्रोसीजर फॉलो हुआ। ठीक है, तो उसकी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, उसके बाद 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया नेहरू जी ने, और क्या हुआ, हम लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास किया तो जो आज का हमारा प्रीएम्बल है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद 22 जन को इन 1947 जो है यूनैनिमसली अडॉप्ट कर लिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 6 स्टेट्स। कैसे था, 11 स्टेट्स थी, 11 में से 6 स्टेट के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया इन द असेंबली। ठीक है, फिर 3 जून को माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन ने पार्टीशन की बात की, उस टाइम पे इंडिपेंडेंस की बात हुई कि बाय द टाइम ऑफ 15 अगस्त वी विल गिव यू द इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, जिसमें पार्टीशन, रेडक्लिफ लाइन और ये सारी चीज़ें मेंशन हुई। एंड देन क्या हुआ कि मेंबर्स ऑफ मुस्लिम लीग जो थे वो भी एंटर होना शुरू हो गए थे बाय दैट टाइम, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना शुरू हो गए थे, जो इंडिया में रिजाइड करना चाहते थे, जो मुस्लिम पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे वो वहाँ पे जाके गवर्नमेंट के लिए काम करने लग गए थे, बट जो पार्ट जो इंडिया में ही रिजाइड करना चाहते थे आफ्टर द पार्टीशन, जो पार्टीशन का प्लान हुआ था, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनने लग गए थे। ठीक है, तो 22 जुलाई को हमने जो अपना नेशनल फ्लैग है उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन 15 अगस्त को फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, उसके बाद 1949 में कैसे हुआ कि हमने रेटिफाई किया किसको, मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ को, कि कॉमनवेल्थ का हम इंडिपेंडेंटली पार्ट रहना चाहते हैं। वी आर बींग अ सॉवरेन बॉडी, कभी भी उसका पार्ट रह सकते हैं, कभी भी उससे निकल सकते हैं, एंड वी एक्सेप्टेड, वी अडॉप्टेड कि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहना चाहते हैं। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल क्या होती है, कि इट्स अ कंसेप्ट इन ब्रिटिश इंडिया कि कैसे है कि एक रिप्रेजेंटेटिव है जो क्राउन रूल होता है। ठीक है, तो क्राउन को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल होती है, उसकी पर्सनल काउंसिल जो उसको एडवाइस करती है टाइम टू टाइम। तो ये प्रिवी काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया, बिकॉज हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो होने वाली थी, रेदर देन रिपब्लिक डेमोक्रेसी फॉलो होने वाली थी रेदर देन मोनार्की। ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी कर लिया 26 नवंबर 1949 को। एंड देन 24 जन को बहुत सारी चीज़ें हुई। एक तो ये थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपेंड किए सिग्नेचर सब लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे, सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, ऑन 24 जन और क्या क्या हुआ, अडॉप्टेड नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। ठीक है, एंथम कौन सा है हमारा, जन गण मन, एंड नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम, उसको एक्सेप्ट किया। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किए गए, एंड लास्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी हुआ 24 जन 1950 को। ठीक है, उसके बाद 26 जन 1950 को इंडिया गॉट कॉन्स्टिट्यूशन, तो फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिला। इससे पहले कैसे था, 1947 के बाद 1950 तक कहीं ना कहीं हमारा डोमिनियन रूल चल रहा था, बिकॉज लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की तरह एक्ट कर रहे थे। ठीक है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, हमें अपने रेगुलेशंस मिल गए कि हमें कंट्री को कैसे रन करना है, आफ्टर दैट हमें फुली इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, मई 1952 में फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई। ठीक है, दोनों हाउसेज में इलेक्टेड पीपल आए, बिकॉज 1951-52 में इलेक्शंस कंडक्ट हुए। एंड देन क्या हुआ, 1987 में फाइनली, पहले कैसे था, सिर्फ इंग्लिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा गया था उसी को मान्यता थी कि उसी के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, बट देन 1987 के अमेंडमेंट के बाद जो हिंदी का टेक्स्ट था उसको भी इक्वली मान्यता दी गई एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब टू कोर सिटी, स्टे ट्यून्ड, बाय।